हे गाइस अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो आप लोग। आई होप कि आप सब ठीक होंगे। मैं हूं सैफ। इस वाली फोटोशॉप वीडियो के अंदर हम देखेंगे एक जिम के लिए सोशल मीडिया पोस्ट या बैनर डिज़ाइन करना। इस बैनर को डिज़ाइन करने के लिए मैं काफ़ी सिंपल ट्रिक्स यूज़ करूंगा। तो सबसे पहले मैं जाऊंगा, न्यू डॉक्यूमेंट क्रिएट करूंगा। यहाँ पे मैं साइज़ ले रहा हूँ 180 पिक्सल्स बाय 180 पिक्सल्स, और ये काफ़ी कॉमन साइज़ है सोशल मीडिया के लिए, आप जानते हो। मैंने यहाँ पे एक डॉक्यूमेंट क्रिएट कर लिया है। कुछ मैंने इमेजेस यहाँ पे ऑलरेडी डाउनलोड करके रख दिए हैं, और कुछ मैंने एसेट्स शेप्स वगैरह यहाँ पे कुछ लोगोस मैंने डाउनलोड करके रखे हैं, और यहाँ पे मैंने टेक्स्ट भी कुछ ले लिया है। तो इस बैनर को क्रिएट करने के लिए सबसे पहले तो इस इमेज को मैं PNG कर लेता हूँ, और मैंने ऑलरेडी इसका PNG कर लिया है। तो ये रहा वो PNG, इसको मैं ड्रैग करके सीधा अपने डॉक्यूमेंट में ले लूँगा। हमारी जो बैकग्राउंड इमेज है, जो हम इसके बैकग्राउंड में यूज़ करने वाले हैं, उसको तो ये इमेज मैंने unslash.com से लिया था। स्टॉक इमेज है, फ्री इमेज है, आप आपके प्रोजेक्ट्स में यूज़ कर सकते हैं। तो मैं इसको थोड़ा सा हाइड करके मैं आपको इमेज बता देता हूँ एक बार कि किस टाइप की इमेज मैंने यहाँ पे लिया है। तो इस इमेज को सबसे पहले तो मैं ब्लैक एंड वाइट में कन्वर्ट कर दूंगा। तो सिंपली मैं यहाँ से ब्लैक एंड वाइट लेयर के ऊपर क्लिक कर दूंगा, और यहाँ पे मास्क मैं ऐड करूँगा, सॉरी मैं क्लिपिंग मास्क ऐड करूँगा यहाँ पे, ताकि ब्लैक एंड वाइट का जो लेयर है इसी इमेज के ऊपर अप्लाई हो जाए। ओके, तो ये इमेज को मैंने ब्लैक एंड वाइट कर दिया। अगेन मैं यहाँ पे कुछ कलर्स मतलब ग्रेडियंट अप्लाई करूँगा, ताकि ये बैकग्राउंड हमारा पूरी तरह से अच्छा दिखे, और थोड़ा सा एक कूल सा लिफ्ट इफेक्ट इसके अंदर दिख कर आए। तो मैंने बैकग्राउंड के लिए जो कलर चाहिए था मुझे, मैंने यहाँ पे कॉपी करके रखा हुआ है ऑलरेडी, तो सिंपली मैं यहाँ पे बैकग्राउंड में उस कलर को अप्लाई कर दूंगा। मैं इसको रेडियल के अंदर रखूंगा ताकि दिखने में और भी अच्छा दिखे। देन मैं इसका ब्लेंडिंग मोड चेंज करके देखूंगा कि मुझे कौन सा इफेक्ट यहाँ पे अच्छा लग रहा है। तो मुझे थोड़ा सा डार्क चाहिए, तो मैंने यहाँ पे हार्ड लाइट मुझे थोड़ा सा अच्छा लग रहा है, तो मैंने यहाँ पे हार्ड लाइट के ऊपर क्लिक करके इसको फाइनल कर दिया। देन ये फाइल, पूरी प्रोजेक्ट फाइल मैं आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, और आप आपके हिसाब से जो भी प्रोजेक्ट्स में जो भी जिम वाले बैनर से आप यूज़ कर सकते हैं। सेकंड, मैं इस इमेज को ओपन कर दूंगा फिर से, देन इसको अलाइन कर दूंगा सेंटर के अंदर। कुछ शेप्स मैंने यहाँ पे ऑलरेडी डाउनलोड करके या बनाकर रखे हुए थे, मैं उसको क्लिक एंड ड्रैग करके इस वाले डॉक्यूमेंट के अंदर लेकर आया हूँ। इस वाले शेप को मैं यहाँ पे रख देता हूँ, ठीक है। देन मैं इस शेप को सिलेक्ट करूँगा कंट्रोल प्रेस करके, और यहाँ पे उसके थंबनेल के ऊपर क्लिक करूँगा, और इस वाले लेयर को मैं इसका मास्क ले लूँगा, और इसको मैं फ्रंट के ऊपर लेकर आऊँगा ताकि इसको मैं हाइड कर सकूँ। देन इसका मास्क मैं सिलेक्ट करके यहाँ पे ब्लैक कलर में सिलेक्ट कर लेता हूँ। तो सिंपली मैंने यहाँ पे इस वाले लेयर को, डंबेल को मैं इस लेयर के पीछे डालना चाहता हूँ, इस ये वाला डंबेल यहाँ पे रहना चाहिए, ठीक है। तो मुझे ये लुक चाहिए था, तो मैं कंट्रोल डी करके इसको डिसलेक्ट कर देता हूँ अगेन, और मैंने यहाँ पे कुछ टेक्स्ट यहाँ पे रखा हुआ था, तो मैं सिंपली यहाँ से टेक्स्ट को कॉपी कर लेता हूँ, और टेक्स्ट टूल लेके मैं इस टेक्स्ट को यहाँ पे लिखूँगा, और मैं फ़िलहाल के लिए इसका कलर वाइट कर देता हूँ। इस वाले टेक्स्ट को मैं थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ, और फिट वाला जो टेक्स्ट है मैं अगेन इस लेयर का एक कॉपी बना लेता हूँ यहाँ पे ऑल्ट प्रेस करके, और उस वाले लेयर को मैं यहाँ पे कंट्रोल वी करके मैं यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा, और इसका जो फॉन्ट है मैं यहाँ पे लूँगा इंटीग्रल। इंटीग्रल में मैं यहाँ पे सिलेक्ट कर दूंगा हेवी OBQ। ये फॉन्ट भी मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ से जाके डाउनलोड कर सकते हैं। इस वाले फॉन्ट का मैंने फॉन्ट रखा है गौतम, और मीडियम के ऊपर रखा है, और फिट को मैं थोड़ा सा बड़ा कर दूंगा, तो ये दिखने में अच्छा दिखेगा। देन मैं यहाँ पे एक सिंपल ट्रिक आपको बताना हुआ कि इस वाले लेयर को हमको हाईलाइट करना है तो किस तरह से आप कर सकते हो। सिंपली मैं यहाँ पे स्ट्रोक में जाऊँगा और अप्लाई कर दूंगा एक येलो कलर का स्ट्रोक 4 पिक्सल पे। इसके प्रॉपर्टीज़ आप चेक कर सकते हैं कि मैंने क्या चीज़ रखा है यहाँ पे।
ओके पे क्लिक कर दूंगा और सिंपली मैं यहाँ से इसका फिल ऑफ कर दूंगा और इस वाले लेयर को मैं इस बिल्डर की इमेज के बैकग्राउंड में डाल दूंगा और इसको मैं अलाइन कर देता हूँ सेंटर। ये अब थोड़ा थोड़ा बैनर के हिसाब लग रहा है तो इसको मैं सेंटर में रखना चाहूँगा, इसको यहाँ पे रखूँगा ताकि मुझे यहाँ पे राइट कॉर्नर में कुछ टेक्स्ट ऐड करना होगा तो मैं कर सकूँगा यहाँ पे। तो ये सिंपली एक बैनर के ऐसा लग रहा है, आप इस तरह से बैनर क्रिएट कर सकते हैं आपके सोशल मीडिया के लिए। इस टाइप की वीडियोस में और भी लेकर आने वाला तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें और ये वीडियो अगर अच्छा लग रहा है आपको तो आपके दोस्तों के साथ में शेयर भी कर सकते हैं। आप कमेंट बॉक्स में आप मुझे सजेस्ट कर सकते हैं कि मैं नेक्स्ट वीडियो कौन से टॉपिक के ऊपर लेकर आऊँ। तो यहाँ पे कुछ मैंने कॉन्टैक्ट डिटेल्स और लोगो लेकर रखा है, उससे पहले मैं यहाँ पे क्या चाहूँगा इस वाले इमेज के अंदर थोड़ा सा एक इफेक्ट मैं ऐड करूँगा। तो सिंपली मैंने यहाँ से ब्रश टूल सिलेक्ट कर लिया और मैं न्यू लेयर क्रिएट कर लेता हूँ और यहाँ पे कुछ मैंने ब्रश लेकर रखे हुए ऑलरेडी, मैं सिंपली कलर यहाँ पे सिलेक्ट कर लेता हूँ ब्लू वाला और बस मैं यहाँ पे सिंगल सा टैप करूँगा और इसको मैं थोड़ा सा बड़ा कर दूँगा। ओके जी, ब्रश का साइज मैं थोड़ा सा इंक्रीज करके मैं और एक लेयर क्रिएट करूँगा और अगेन मैं इसके ऊपर एक टैप कर दूँगा ताकि थोड़ा सा डस्ट टाइप इफेक्ट आपको दिखने में आएगा। फ्लिप कर दूंगा और इसको मैं लेफ्ट साइड में लेकर जाऊंगा। ओके, यहाँ पे मैंने वेबसाइट भी लिया था तो मैं सिंपली वेबसाइट को कॉपी कर देता हूँ और इसी टेक्स्ट को मैं कॉपी करके यहाँ पे ले लेता हूँ। वेबसाइट को मैं फॉन्ट में यहाँ पे सिंपल फॉन्ट रखूँगा एकदम। ओके, वेबसाइट मुझे यहाँ पे ठीक लग रही है। अगेन मैं इन दोनों लेयर्स को सिलेक्ट करके थोड़ा सा अलाइन कर दूंगा। ओके, तो ये मुझे ठीक लग रहा है, थोड़ा सा साइज इंक्रीज कर देता हूँ इसका। जब तक आपको डिज़ाइन में परफेक्शन नज़र नहीं आता तब तक आप इसको प्ले करते रहिए। आप मतलब कि आपको कलर कॉम्बिनेशन वगैरह आप सेट कर सकते हैं, डिफरेंट डिफरेंट कलर आप यूज़ करके देख सकते हैं। यहाँ पे मैंने कुछ टेक्स्ट लिया था स्टार्ट फ्रॉम टुडे, अगेन मैं इसका इसी लेयर को कॉपी कर लेता हूँ यहाँ पे और इसके फ्रंट में मैं लेकर आऊँगा और फॉन्ट में रखूँगा इसका अगेन इंटीग्रल रखूँगा और थोड़ा सा मुझे बोल्ड फॉन्ट चाहिए तो मैंने यहाँ पे बोल्ड फॉन्ट सिलेक्ट कर लिया। ओके जी, तो यहाँ पे मुझे ये सही लग रहा है। इसको भी थोड़ा सा इफेक्टिव बनाने के लिए मैं इसका एक डुप्लीकेट कॉपी कर दूंगा और ये फिट जो लेयर है इसके मैं यहाँ पे प्रॉपर्टीज़ कॉपी करूँगा। कॉपी लेयर स्टाइल बोलने से आप जितने भी प्रॉपर्टीज इसके ऊपर अप्लाई कर दिए आपने वो पूरे प्रॉपर्टीज़ पेस्ट कर दो स्टार्ट टूडे वाले लेयर के ऊपर। थोड़ा सा मैं इसको स्ट्रोक इसका और पतला करना चाहूँगा, 3 पिक्सल ठीक लगेगा मुझे और सिंपली इस पॉइंट को कंट्रोल टी प्रेस करके मैं इसका साइज इंक्रीज कर दूंगा और इस वाले लेयर को मैं इसके पीछे डाल दूंगा और वाइट वाला लेयर मैं सिलेक्ट करके सिंपली यहाँ पे एक थोड़ी सी ड्रॉप शेडो ऐड करूँगा। ये दिखने में अच्छा लग रहा है, फिर आप आपके हिसाब से जो भी आपके लोगोज है आपके कॉन्टैक्ट डिटेल्स है मैंने यहाँ पे ऑलरेडी रखे हुए थे कॉपी करके तो आप देख सकते हैं कि मैंने किस तरह से उसको अरेंज किया है, किस तरह से मैंने बटन बनाया है। तो सिंपली आप लोगों यहाँ पे ड्रॉ कर सकते हैं। तो इस टाइप से आप बैनर क्रिएट कर सकते हैं एक जिम के लिए। आप डिफरेंट डिफरेंट तरीके से आप इसके ऊपर इफेक्ट दे सकते हैं, आप कलर कॉम्बिनेशन चेंज कर सकते हैं आपके हिसाब से। तो उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। इस वीडियो को शेयर करो आपके दोस्तों के साथ में, चैनल को सब्सक्राइब करो, लेकिन कमेंट के बॉक्स में बताओ कि आपको क्या इंप्रूवमेंट चाहिए, कौन से सब्जेक्ट के ऊपर आपको ट्यूटोरियल चाहिए। इंस्टाग्राम का आईडी भी मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूँ, तो वहाँ पर जाके मुझे इंस्टाग्राम के ऊपर DM भी कर सकते हैं। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए टेक केयर।